हेलो फ्रेंड्स, कलाकृति क्रिएशंस आशा की ओर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं हूँ अपनी किचन में, क्योंकि आज मैं आप लोगों को मटरी बनाना सिखा रही हूँ, वो भी अपने अंदाज में, कुछ अलग तरीके से। क्योंकि आज मेरी क्लासेस भी ऑफ रहती हैं संडे को, तो मैं ज़्यादातर इसी तरह का काम अपने लिए रखती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया सबसे पहले 2 कटोरी मैदा, लगभग 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अजवाइन और लगभग 1/2 कटोरी से थोड़ा कम हम रिफाइंड ऑयल ले लेंगे और इन सब चीजों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए, साथ के साथ हमने तेल भी उस पे चढ़ा दिया है। तेल गरम हो रहा है और मैं ये प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। खास बात इस मेथड की यही है कि आप दोनों काम एक साथ करेंगे, मठरी बनाने का भी और तलने का भी, यही इसकी टिप भी है। अब बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंथेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा ही हमें पानी इसमें ऐड करना है, बिल्कुल ये अधमला सा हो जाए। हमको इसको प्रॉपर वे में नहीं मलना है। ये देखिए, काफी रफली हमें इसको आटा लगाना है इसका, और इसको चेक करने के लिए हम इस तरीके से हाथ में लेके इसको बांध के देखेंगे। अगर ये बंध रहा है तो बस इसी स्टेज तक हमको इसको आटे को मलना है। ये देखिए, अब हम इसी अधमले आटे से ही लोई बनाएंगे, लोई की तरह, और उसको हाथों से इस तरीके से अच्छी तरीके से हम प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये एक मठरी की शेप में हम इसको, ये देखिए, फिर से मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से हम मठरी की एक शेप बनाएंगे इसकी गोल, और इसको साइड में रखते जाएंगे। बिल्कुल हलवाई के स्टाइल में ये मठरी तैयार होती हैं। काफी ये पसंद की जाती है मेरी मठरी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बहुत जल्दी बन जाती हैं, इनको बनाने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें दोनों प्रोसेसिंग एक साथ हो जाती है। ना ही हमें आटे को भिगो के ज्यादा देर तक रखना पड़ता है, और ना ही ज्यादा कुछ प्रिपेरेशन इसके लिए करनी पड़ती है, ना ही हमें इसमें बेलना पड़ता है और ना ही इसको गोदना पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको तैयार करते जाएंगे। अगर हमें कहीं सूखा लगता है तो हम बिल्कुल सिर्फ छींटा लगाएंगे इसमें, और फिर से ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते रहेंगे। सिर्फ इतना ही मॉइस्चर होना चाहिए कि ये बंध जाए। और अब हम, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है हमको इस तेल को, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ही है ये, क्योंकि इतने ही टाइम में इसको अब हम छोड़ते जाएंगे और गैस को स्लो कर देंगे। जिस समय हम इनको डाल रहे हैं, जितनी देर में हमारी ये वाली मठरी का एक घान तलता है, उतनी देर में हम और मठरियाँ भी इसी तरीके से लोई की तरह बना लेंगे। एकदम हलवाई स्टाइल में ये तैयार होंगी, और क्योंकि इसके किनारे वगैरह थोड़े से फट जाते हैं तो ये और भी टेस्टी लगती हैं, एकदम खस्ता ये बन जाती है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हमें ऐसे ऐसे हिलाना है, बहुत ज्यादा तेज अभी हमें इसको नहीं चलाना है। ये देखिए, हल्की सी हम गैस को मीडियम कर लेंगे। बस बनाते समय हमें यही ध्यान रखना है, इसको हमें अच्छी तरीके से दबाना है, इसको हमें दबा दबा के
हल्की जब गोल्डन कलर में आ जाएंगी तब हमें इसको धीरे धीरे पलट देना। बीच बीच में हम और भी इसमें मछलियों को डाल देते हैं, क्योंकि कलर जो हमने पहले मछली डाली थी उनका कलर चेंज हो गया है, तो उसको हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, उनको हम जल्दी पहले निकालें। ऑलमोस्ट सिक गई हैं अच्छी तरह से, तो हम इनको निकाल लेते हैं। क्योंकि हल्का सा कलर अभी इसमें और डार्क हो जाएगा क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो ये देखिए अगर आप थोड़ा और डार्क कलर पसंद करते हैं तो इसको थोड़ा सा और सिक आप सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और ये बहुत खस्ता लगती है एकदम खाने में। ये हमारी बाद वाली और इसमें हम और डाल देते हैं। ये देखिए मेरा आटा भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सब सूखा सूखा आटा हम इसी में लगा। बस बनाते समय हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे अच्छी तरह दबाना है जिस समय हम इसको बेलते हैं, और एक साथ बहुत सारी हमें नहीं डालनी है। हम थोड़ी सी सेकने के बाद जब थोड़ा सा सिक जाए तब हम दूसरा इसमें बैच डाल सकते हैं, थोड़ी सी हम और बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके आप बनाइए जितनी आप मैनेज कर सकते हैं, और ट्राई ज़रूर करिएगा ये रेसिपी। ये देखिए हमारी मछली बन गई है और बहुत ही अच्छी ये मछली बनी है। आप इसको तोड़ के भी चेक कर सकते हैं, एकदम ये इसमें जो क्रैक्स आते हैं उनकी वजह से ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये थी मेरी वीडियो, क्योंकि आज मैं फ्री थी संडे को तो मैंने इसको ट्राई किया और आप लोग के साथ शेयर किया। आगे भी मैं संडे को कुछ ऐसी ही वीडियोज आप लोगों के लिए लाऊंगी, तो प्लीज मेरे चैनल कलाकृति क्रिएशंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।